हेलो, स्वागत है आप सभी का यो स्मार्ट न्यूज़ चैनल में। बात करते हैं हम पिछले 24 घंटों की कोरोना अपडेट्स को लेकर। तो महाराष्ट्र में 26,672 नए केसेस सामने निकल कर आए। अगर ये संख्या जोड़ ली जाए तो टोटल संख्या हो जाएगी जो हॉस्पिटल्स में इलाज करा रहे हैं तो 3,48,395। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करें तो अमरावती में 44, अकोला में 69, औरंगाबाद में 93, यानी काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रही है। जलगांव में 53 ये एक्टिव केसेस हैं। बात करें मुंबई में तो 3,227 लोग अभी भी कोरोना पे पॉजिटिव हैं। मुंबई यानी कि नवी मुंबई वगैरह सब कुछ मिला के हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे केसेस की बात करें अगर मुंबई की सिर्फ, तो 24 घंटों में 1,431 नए मामले रजिस्टर हुए। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कोरोना की तेज़ी से गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से अब एक्टिव संख्या के ज़्यादा कन्फर्म होने वालों की संख्या ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, कन्फर्म यानी कि टोटल जो रिकवर हुए हैं उनकी बात करें तो 5,14,000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर अपने घर गए। और कल 24 घंटों के अंदर बात करें तो 29,177 लोग ठीक हुए, जबकि नए केसेस 26,672 थे। तो कहीं ना कहीं ठीक होने वालों की संख्या नए केसेस की संख्या से ज़्यादा बेहतर है। मरने वालों की संख्या की बात करें तो अभी तक पूरे राज्य में 28 जी हाँ 88,620 लोगों ने अपनी जान गंवाई और पिछले 24 घंटों में 1,320 जाने गई। तो अभी भी कोरोना की वजह से लोगों की जो जाने जा रही है वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। उधर सरकार ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि लॉकडाउन में ढील यानी संचार बंदी में ढील देने का वो सोच रहे हैं और इसके लिए एक अहम बैठक होने वाली है आज कल में। तो ये जैसे ही बैठक में फैसला लिया जाएगा तो आम जनता के लिए लोकल ट्रेन, दुकानें, सब कुछ एक बार फिर से सही समय पे खोल दी जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।